चूचू का बर्ताव लोगों के साथ काफी खराब हो गया, तो हम इसको बाहर एटीट्यूड इसका एडजस्ट कराने ले जा रहे हैं। मेरे पिताजी का एक बड़ा कारगर तरीका था जो मेरे पे तो बहुत अच्छे से काम किया, देखते हैं क्या चूचू पे भी काम करेगा। बचपन में हम कभी घूमने गए हो ना और मैं बहुत शरारत कर रहा हूँ, तो पिताजी सड़क पे जैसे बच्चे होते हैं उनकी ओर इशारा करके कहते थे, देख तेरे को भी हम यहीं से लेके गए थे और तू शरारत करेगा तो तेरे को यहीं छोड़ जाएंगे। तो मैं थोड़ा सहम जाता था कि यार ये तो मामला संजीदा हो गया है और मेरा व्यवहार जो है बेहतर हो जाता था। तो आज हम चूचू को भी चिकन शॉप लेके जा रहे हैं और इसको बताएंगे कि अगर इसके व्यवहार में सुधार नहीं आया तो इसको हम वहीं छोड़ाएंगे। ये देख ऐसे रहते हैं मुर्गी, ये देख देख रहा है, तो अगर तेरा व्यवहार ना हुआ ना सही तो यहीं छोड़ जाएंगे। खुला पानी, 3 टाइम खाना, इसलिए तू अकड़ गया। उसको खाने को तो मिलेगा नहीं मिलेगा, वो खाना बनेगी किसी का भी। सुन रहे तू, फैक्ट्री में पैदा हुई, सुबह यहाँ आई, शाम को ये कट जाएगी। ना उसने धूप देखी, ना उसको आज तक किसी ने प्यार किया। तू सुधर जा चूचू। चूचू की शादी कराएंगे इसके साथ। शादी कर दे, शादी कर दे तो रात को तो आपने उसको काट देना है। ये ब्रॉयलर ही है, बस इसकी हमने थोड़ी देखभाल करी है तो थोड़ी सेहत वगैरह अच्छी है। ये भी बन गई है, ये वेस्टिंग जाएगी सारी, 100 ग्राम वेस्टिंग हुई इसकी आगे की। तो मान लो किलो का है तो आप 900 ग्राम के पैसे दोगे हमें? 900 ग्राम मिलेगी, 600 के क्यों? 100 ग्राम वेस्टिंग है, बाकी फर कहाँ जाएंगे, टांगा कहाँ जाएंगी? इसका रेट लगाना क्या, कितने का निकलेगा ये? रेट का लाना इसका 120। तेरी वैल्यू सिर्फ देख ले, लोगों ने यही लगाई 120 रुपए। हम तेरी वैल्यू करते हैं, तू हमारी नहीं करता। जो ऑफर किया जा रहा है तेरे को, तू वो क्यों नहीं खाता? इस समय तो चूचू का स्नैक टाइम चल रहा है, पर जब तक शाम को इसका डिनर टाइम होगा, जिस मुर्गी से मिल के आया है वो किसी और का डिनर बनने के रास्ते पे होगी। अब देखिए, भगवान ने हमारी किस्मत में हमें क्या दिया है ये हमारे हाथ में नहीं है, पर उस दिए हुए का हम क्या इस्तेमाल करते हैं ये हमारे हाथ में। तो अगर चूचू को भगवान ने मुर्गा बना के हमारे यहाँ भेजा तो इसके हाथ में है कि ये अच्छे से व्यवहार करे। अगर भगवान ने हमें इंसान बना के इस दुनिया में भेजा है तो ये हमारे हाथ में है कि हम अपने हाथों पैरों का इस्तेमाल किसी की जान बचाने में करते हैं या किसी की जान लेने में।